देख ही रहे यहाँ ना, इस समय ना कोई पटवारी आया, पटवारी को मेन चीज पटवारी आना चाहिए, तहसीलदार आना चाहिए, डीएम, एसडीएम, और यहाँ के हमारे जो है सांसद हैं अजय भट्ट जी, हर बार यहाँ से चुन के जाते हैं। कभी एक 3 साल पहले आए थे वोट मांगने, उसके बाद अभी तक नहीं आए। और हमारे विकास पुरुष कहे जाते हैं यशपाल आर्य जी, हालांकि उन्होंने सब जगह विकास किया, आज तक इस रास्ते का, इस गाँव का कोई विकास नहीं किया। हम सोच रहे हैं हमारी जिंदगी में वो कौन सा सांसद होगा जो हमें पक्का रोड बना के देगा। हालात है, क्या दिक्कत है सर? हालात तो इस समय यह है कि कुछ कहा नहीं जा सकता है कि दो तीन दिन से बच्चे स्कूल नहीं गए, भूखे प्यासे पड़े हैं इधर, किसी का सिलेंडर खत्म हो गया है, किसी का आटा खत्म हो गया है, किसी का चावल खत्म हो गया है, अभी 2-3 जानवर तो इधर बाढ़ में बह गए हैं, गांव के 2-3 जानवर बह चुके हैं इसमें। क्या रास्ता कटा है, कितने लोग फंसे इस समय? सर कम से कम 10 परिवार उस तरफ है और 20-25 परिवार इधर है, लगभग 35 परिवार है हम लोग यहाँ, कोई हमारी सुध बुध लेने वाला कोई है ही नहीं। रास्ते कट गए, क्या दिक्कत है? देखिए एक लगभग 5-6 सालों से पानी ही आ रहा है और रास्ते हर बार कट जाते हैं। कई बार हमने अपनी तरफ से बनवाए हैं यहाँ निकलने के लिए, लेकिन प्रशासन से कभी भी कोई भी सहायता नहीं दी गई। और 2 साल पहले मेरा भाई भी यहाँ खत्म हो गया था, और रात को ऐसे बीमार हुआ और रात को हम 11 बजे खत्म हो गए, ले जा नहीं पाए, पानी आया हुआ था तो कहीं भी ले जा नहीं पाए, डॉक्टर को नहीं दिखा पाए, खत्म हो गया था। और प्रशासन से कोई भी अभी तक कोई सहायता नहीं मिली है, आर्थिक सहायता कोई भी, ऐसा कि मतलब जैसे परिवार है फंसे हुए इनके लिए राशन या कुछ है, क्योंकि अभी भी 2-3 घर ऐसे हैं जिनके सिलेंडर खत्म हुए हुए हैं, राशन नहीं है, आने जाने के लिए रास्ता नहीं है, दोनों साइड से रास्ते कटे हुए हैं, और लगभग 30 से 35 परिवार है जो हम फंसे हुए हैं इस पानी। लगातार पड़ रहा है क्या? पानी लगातार ही पड़ रहा था, पर मेरी लड़की बीमार थी काफी दिनों से, और लड़की को साथ ले जा नहीं पाए, लड़की की मौत होगी साहब मेरे, अब कल उसकी फेरनी थी साहब जो हमने करी, और साहब एक पानी की वजह से जो रास्ते कट गए हैं हम ले जा नहीं कहीं पा रहे। अब जो भी मरीज बढ़ रहा है, एक मेरा भतीजा ऐसे मतलब रात को बीमार हुआ, कहीं ले जा नहीं पाए, पानी आया हुआ था, अब वो मेरा भतीजा भी खत्म हुआ था। ये जो है कितने लोग फंसे हुए हैं साहब इसमें? साहब 30-35 लोग मतलब परिवार है हम जो मतलब इसमें फंसे हुए हैं, कम से कम 700-800 लोग हैं हमारे यहाँ पर। कितनी दिक्कत पड़ रही है, क्या कोई विधायक, एमएलए, एमपी या फिर कोई प्रशासन आया? कोई भी नहीं सर आ रहा, कोई भी नहीं आ रहा साहब हमें देखने के लिए, कोई भी साहब, ना पटवारी आ रहे हैं, ना तहसीलदार साहब आ रहे हैं, ना साहब एसडीएम डीएम साहब भी आ रहे हैं, कोई प्रशासन ना। अजय भट्ट जी एक बार आया था 3 साल पहले, और उसके बाद साहब देखने के लिए भी नहीं आया, क्या मर रहे हैं। विधायक जो हैं आपके ये क्या वो आए हैं साहब? वो भी नहीं आए इस बार, कोई विकास नहीं साहब यहाँ, बाकी हर जगह किया साहब, यहाँ हमारे क्षेत्र में नहीं किया इन्होंने विकास, और कह रहे हैं तुमने वोट नहीं दिया हमें, हम तुम्हारा विकास नहीं करेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।